नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। आज मैं बनाऊंगी क्रिस्पी चिकन। तो चलिए देखते हैं कि मैं क्रिस्पी चिकन किस तरीके से बनाती हूँ। पहले मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है। बोनलेस चिकन को मैंने यहाँ पर पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से मैंने स्लाइसेस किए हैं। फिर मैंने 1 चम्मच विनेगर से इसे एक घंटे के लिए मैंने इसे मैरिनेट करके छोड़ दिया है। 1 घंटे बाद मैं इसे मैरिनेट करूंगी। यहाँ पर मैंने करीबन 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर लिया है, और यहाँ पर 2.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर सॉल्ट नमक ऐड किए हैं। उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मुझे इसे 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट्स बाद मैं इसे फ्राई करूंगी। चिकन को मैं फ्राई कर लूंगी 15 मिनट्स बाद। देखिए, 15 मिनट्स बाद मैं यहाँ पर चिकन को जो अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, अच्छे से इसे फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन कलर का ना हो जाए। और बहुत ही हाई फ्लेम में मत कीजिएगा, तो फिर क्या होगा, चिकन जो है अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से ये पक जाएगा और अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमें इसे लो फ्लेम में बिल्कुल फ्राई करना होगा। बाकी जो चिकन्स थे, मैंने एक बार में पूरा चिकन नहीं इसमें फ्राई किया है, बाकी जो चिकन रह गए हैं अब मैं उस चिकन को भी फ्राई कर लूंगी अच्छे से। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी होता है। देखिए, इस तरीके से मैं इसे फ्राई कर लूंगी। अब जो चिकन थे वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके ग्रेवी बनाऊंगी। ग्रेवी तो नहीं, बहुत ड्राई बनता है ये। तो इसमें मैंने पहले चॉप्ड किया हुआ एक ऑनियन मैंने यहाँ पर बारीक कट कर लिया है, उसको मैं ऐड करूंगी। उसके बाद थोड़ा सा ही, जस्ट बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा सौते करना है हमको। करने के बाद एक जो मैंने कट करके रखे हैं जिंजर गार्लिक, वो भी मैं इसमें ऐड करूंगी। अब मैं इसमें जिंजर ऐड कर दूंगी। जिंजर भी मैंने यहाँ पर 1/2 इंच जिंजर जो है मैंने इसे चॉप कर लिया है। उसके बाद जस्ट थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ही मैं उसमें गार्लिक भी ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने गार्लिक भी चॉप किए हुए हैं। थोड़ा सा ही, जस्ट अच्छे से थोड़ा सा मिलाना है, और बिल्कुल लो फ्लेम में ये आपको करना होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर स्प्रिंग ऑनियन भी ऐड कर दूंगी, और स्प्रिंग ऑनियन डालने के बाद बहुत ज्यादा बिल्कुल फ्राई मत कीजिएगा। थोड़ा सा ही, जस्ट थोड़ा सा ही, 30 सेकेंड के लिए इसे हमें इसी तरीके से चलाना है। उसके बाद हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पर जो है, मैंने ये 3 से 4 चम्मच जो है यहाँ पर मैंने सॉस ऐड किया है, रेड टोमेटो सॉस। और करीबन 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस थोड़ा सा ही चला के हम इसमें ग्रीन चिली जो हमने चॉप करके रखा है उसको हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून शुगर ऐड किया है। इसे हम जस्ट थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ही हम इसमें 1/2 कप वाटर ऐड कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, क्योंकि ये जो चिकन है ये बिल्कुल ड्राई बनता है। इसलिए हम जस्ट 1/2 कप जो है वाटर इसमें ऐड करेंगे, और इसे थोड़ा सा, ग्रेवी को थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। ये जैसे ही थोड़ा सा पक जाए उसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर विनेगर ऐड किया है, थोड़ा सा खटास के लिए। अब जो चिकन हमने फ्राई करके रखा हुआ है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमको इसको मिक्स कर लेना है।
जिससे कि ये सॉस के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम लास्ट में हम सॉल्ट ऐड करेंगे। अभी तक हमने सॉल्ट इसमें नहीं दिया है, अब लास्ट में हम इसको सॉल्ट ऐड करेंगे। बिल्कुल स्वाद अनुसार आप इसमें नमक मिलाइएगा, क्योंकि चिकन फ्राई करते समय हमने उसमें नमक मिलाया था, इसलिए हमें नमक जो है वो थोड़ा कम रखना होता है। देखिए ये बिल्कुल बन के एकदम रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे एक बोल में सर्व कर लूंगी। देखिए क्रिस्पी चिकन जो है बन के बिल्कुल तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।